नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र पर चर्चा करेंगे। यह फॉर्मूला हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताता है। हम दो बिंदु पी एक्स वन कॉमा वाई वन और क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू लेते हैं, फिर हम पी आर बनाते हैं जो मेरे एक्स एक्सिस के लंबवत यानी परपेंडिकुलर है। ठीक उसी तरह हम क्यू एस बनाते हैं जो मेरे एक्स एक्सिस के लंबवत है, फिर हम एक पी टी बनाते हैं जो मेरे क्यू एस रेखा के लंबवत है, यानी यह पी टी मेरे एक्स एक्सिस के समानांतर चल रही है। यह चित्र हम देख के समझ सकते हैं कि ओ आर का मूल्य है एक्स वन और ओ एस का मूल्य है एक्स टू। इसी कारण से PT का मूल्य होगा x2 माइनस x1। ठीक उसी तरह Q2 का मूल्य होगा y2 माइनस y1। हम यहाँ पे पाइथागोरस सिद्धांत का काम लेंगे, जिसके अनुसार अगर किसी भी त्रिकोण में एक 90 डिग्री का कोण है तो PQ स्क्वायर का मूल्य PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर होगा, जहां PQ स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज यानी सबसे लंबा वाला लंबी वाली रेखा है। PT और QT के निकाले गए मूल्य को हम इसमें लगाते हैं तो हमें यह फॉर्मूला मिलता है, और जब इसे हम रूट ओवर साइन लगा देते हैं तो हमें अपना इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त हो जाती है। इसी का उदाहरण देखते हैं। हमें 2.3 और 4.2 के बीच की दूरी निकालनी है, तो चलिए इसे अपने दूरी सूत्र में लगाते हैं। तो PQ ये दोनों डंडियों लगाने का यह मतलब है कि हम दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। अब फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले 4 माइनस 2 4 हो गया Q का 4 और यहां का 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम इसका मूल्य निकालते हैं तो हमें इसका उत्तर रूट 6 इकाई मिलता है। दूरी सूत्र को छोड़ अब हम खंड सूत्र पर आते हैं, जो किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के बीच में किसी बिंदु उस रेखा किस अनुपात में खंड करती है हमें वह बताती है। तो हम यहाँ पे दो बिंदु लेते हैं ए एक्स वन कॉमा वाई वन और बी एक्स टू कॉमा वाई टू। हम इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर एक और बिंदु लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई। हम मानते हैं कि यह पी ए बी रेखा को एम वन इस टू एम टू के अनुपात में खंड करता है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। हम पी एस बनाते हैं जो मेरे एक्स एक्सिस के लंबवत है, ए आर जो x एक्सिस के लंबवत है और बी टी जो एक और x एक्सिस के लंबवत है। हम ए क्यू बनाते हैं जो मेरे पी एस के लंबवत है और एक पी सी बनाते हैं जो मेरे बी टी के लंबवत है। इसी के द्वारा हमें काफी कुछ जानने को मिलता है। ए क्यू का मूल्य होगा x माइनस एक्स वन, पी सी का मूल्य होगा x टू माइनस एक्स, PQ का मूल्य होगा y माइनस y1 और BC का मूल्य होगा y2 माइनस y1। AA समानांतरता के द्वारा हम देख सकते हैं कि मेरा त्रिकोण PAQ और त्रिकोण BPC समान है। तो समान होने के कारण हम ये चीज जान सकते हैं कि मेरे सभी साइडों का अनुपात हमेशा m1 by m2 ही रहेगा। अब AQ, PC, PQ और BC के जाने हुए मूल्यों को हम इस फॉर्मूला में लगाते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। इसी को अगर हम और आगे बढ़कर सॉल्व करते हैं, यानी इधर वाले को ऊपर ले जाते हैं और इस वाले को इधर लाके गुणा करते हैं, और अगर इसी पे अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें यह फॉर्मूला प्राप्त होता है। यह उस P के
x मूल्य के बारे में हमें बताएगा। अगर इसी को हम आगे तरीके से y मूल्य लगा के भरें तब हमें यह चीज प्राप्त होगा। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमें वह बिंदु खोजनी है जो p 4-3 और q 8-5 को 3:1 अनुपात में खंड करती है यानी बांटती है। तो हम यहां अपने प्राप्त किए गए फॉर्मूला को लगाते हैं। यहां पे 3×8+1×4+3+1 इसी को जब हम सुलझाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। वही जब हम y वैल्यू के लिए इसी फॉर्मूला को सुलझाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। यह वैल्यू बस y2 और y1 के मूल्य को इस फॉर्मूला में लगा के प्राप्त हो जाता है। तो इसी कारण हमें आंसर उत्तर जो प्राप्त होता है वह 7.3। 7.3 वह बिंदु है जो P और Q को 3:1 अनुपात में खंड करता है। खंड सूत्र के द्वारा हम मध्य बिंदु भी जान सकते हैं। मध्य बिंदु वह बिंदु है जो दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को 1:1 अनुपात में बांटती है। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम M1 और M2 का मूल्य 1 और 1 लगाएं तो हमें मध्य बिंदु का मूल्य मिलेगा x2+x1/2 और y2+y1/2। यह हो गया हमारे P, A और B का मध्य बिंदु। अब हम त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। हम तीन बिंदु A x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3 लेते हैं। त्रिकोण का क्षेत्रफल जानने के लिए हमें कुछ नए नए चीजों को बनाना पड़ेगा। हम AQ, BP और CR रेखाएं खींचते हैं तो X एक्सिस के मेरे लंबवत यानी परपेंडिकुलर। इस चित्र को देखिए हम और क्या समझ सकते हैं कि ABPQ, BCRP और ACRQ सभी समलंब यानी ट्रेपेजियम है। और हम क्या देख सकते हैं कि QP का मूल्य है x2-x1, PR का मूल्य है x3-x2 और QR का मूल्य है x3-x1। AQ का मूल्य है y1, BP का मूल्य है y2, CR का मूल्य है y3। हमें ये पता है कि समलंब का क्षेत्रफल समानांतर रेखाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई गुणा हाफ यानी आधा होता है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि मेरे ABC त्रिकोण का क्षेत्रफल होगा ABPQ और ACRQ समलंबों के क्षेत्रफल का जोड़ और उसमें से BCRP समलंब के क्षेत्रफल को माइनस हटाकर। तो हम क्या देखते हैं कि ABPQ समलंब जो है उसका क्षेत्रफल होगा हाफ यानी आधा गुणा BP+AQ का इन दोनों को मिलाकर और इसका गुणा QP। ठीक उसी तरह से हम ACRQ और BCRP का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो हम अपने प्राप्त मूल्यों को जो हमने पिछले स्लाइड पर निकाले थे उन्हें हम इस फॉर्मूला में लगाते हैं। जब हम इन सबको गुणा करेंगे और जब इस ब्रैकेट सबको खोलेंगे तब हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला प्राप्त होगा। यही है मेरे त्रिकोण के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यह निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही बड़ा उपयोग है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमें उस त्रिकोण का क्षेत्रफल चाहिए जो ए 1-1, बी 4-6 और सी 3-5 से घिरा हुआ है। तो हम इसे इन मूल्यों को अपने फॉर्मूला में लगाते हैं। तो जब हम फॉर्मूला में लगाते हैं तो कुछ ऐसा नंबरों का एक खेल जैसा मानो प्राप्त होता है और इसी को जब हम सुलझाते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 24 इकाई स्क्वायर। स्क्वायर का अर्थ हुआ कि हम यहाँ पे अपना क्षेत्रफल बता रहे हैं। इसका हमें मूल्य प्राप्त होता है कि 24 है हमारे उस त्रिकोण का क्षेत्रफल। इसी के साथ हमारा निर्देशांक ज्यामिति के साथ इतना लंबा सफर खत्म होता है। आपका इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।